चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहला कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके होते हैं, इनिशियल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जिनसे आपका एक जो आइडिया बिल्डअप होता है उससे आप आगे प्रोसीड करते हो। खैर, ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि ये 1/√ क्वाड्रेटिक टाइप का है ना। तो इन सारे जो रूट क्वाड्रेटिक या 1/√ क्वाड्रेटिक, तो ये जो लीनियर 1/√ क्वाड्रेटिक, ये जो फॉर्मेट होता है इनके लिए स्टैंडर्ड आपके पास एक प्रोसीजर होता है जिससे आप प्रोसीड करते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपका एक्सपीरियंस ग्रोथ होता चला जाएगा, और जब भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका होगा। खैर, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये आपका 1/√ क्वाड्रेटिक है, और 1/√ क्वाड्रेटिक जो होती है वो कैसे एक्सप्रेस, इस वाले क्वाड्रेटिक को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में। तो अगर इस चीज़ को हम इस तरह से लिख देते हैं, है ना, सब मिला जुला के आपको करना क्या होता है, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना होता है, या यूं कहें किसी नोन फार्मूले से आपको मैच करना पड़ता है, दैट इज नोन एज ए इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रेबल फॉर्म। तो ये हो गया डीएस। देखिए 4x² क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, और एक्स स्क्वायर तो है ही है। अब यहाँ पे हम क्या करें, मुझे पता है कि 2x को अगर हम लोग टी सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये सिंपल 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, टी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो लेट 2x = t हो गया आपका, तो 2dx = क्या हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो dx अगर सिर्फ लिखना है आपको तो 2 आप इस साइड में ले जाइए, तो 1/2 dt हो जाएगा। अब यहाँ सब्सटीट्यूशन कर दें हम, dx को dt/2 और 2x को t लिख दें, तो दैट क्वेश्चन बिकम 1/√1 + t² एंड dt/2। अब ये 2 तो आपका कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं। और ये देखिए 1 + t² लिखिए या t² + 1 लिखिए, यू हैव द सेम एक्सप्रेशन, t² + 1। अब ये किससे मैच कर रहा है, ये 1/√ क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म जो 1/√x² + a² होता है उससे मैच कर रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ, ठीक है ये आपको याद होना चाहिए, लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। ये एब्सोल्यूट वैल्यू रखते हैं ना, क्योंकि लॉग की जो डोमेन होती है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स होती है। अब देखिए ये आंसर होता, लेकिन टी हमारा डमी वेरिएबल है, हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। टी क्या है आपका, 2x है, तो हम यहाँ पे 2x रख देंगे, तो 1/2 log(2x) + ये अंदर 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4x² + 1 और + c, दैट इज योर फाइनल आंसर।